मुंडगांव पहुंचने के लिए यात्रियों और भक्तों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इस रास्ते का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की जा रही है। देखते हैं मुंडगांव को लेकर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। किसी भी नगर या तीर्थ क्षेत्र की सुंदरता के लिए अच्छी सड़कें होना आवश्यक है। अच्छी सड़कें रहने से पर्यटन को चालना मिलती है, परिसर के नागरिकों को अच्छा रोजगार उपलब्ध होता है। श्री क्षेत्र शेगांव के बाद संत गजानन महाराज के चरण स्पर्श से पावन हुई मुंडगांव नगरी के पादुका क्षेत्र के दर्शन लेने हेतु तथा संत झाम सिंह महाराज, संत पुंडलिक महाराज, संत बाईजाबाई के निस्सिंह गजानन भक्ति के आगे नतमस्तक होने हेतु यहां जिले से लेकर पूरे राज्य और विदेशों से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। मुंडगांव पहुंचने के लिए इन सभी भक्तों को इस रास्ते की दुरावस्था के चलते बड़े ही कष्टप्रद यात्रा का अनुभव लेना पड़ रहा है। अकोला अकोट मार्ग पर मुंडगांव आता है। इस रास्ते के कंक्रीटीकरण का आधा अधूरा काम करने के बाद ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है। इस रास्ते पर बिछाई गई मिट्टी, मुरुम तथा गिट्टी के कारण रास्ते से गुजरना वाहन चालकों के लिए एक बड़ा अग्निदिव्य साबित हो रहा है। पूरे रास्ते पर दिन भर धूल के बवंडर उड़ते रहते हैं। मुंडगांव आने तक हर कोई राहगीर या वाहन चालकों को धूल से नहाकर ही यहां आना पड़ रहा है। रास्ते का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए परिसर का कोई भी जनप्रतिनिधि आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। इस रास्ते की दुरावस्था के चलते आए दिन वाहनों की दुर्घटनाएं हो रही है। इस रास्ते की यात्रा पूरी कर मुंडगांव पहुंचने वाले यात्रियों ने उनकी कष्टप्रद यात्रा को लेकर सिटी जंक्शन को जानकारी दी। यहाँ पर रास्ते की हालत इतनी दयनीय है कि यहाँ पर कई तरह के एक्सीडेंट हुए हैं, कई लोगों ने जान भी गंवाई है और अभी भी परिस्थिति बदली नहीं है। मुंडगांव जो तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ जाने के लिए ये रोड बनाने की वजह से अभी यहाँ पे जो फलक लगाया गया था वो फलक भी यहाँ पर कहीं नहीं है। अगर आप पहली बार इधर आ रहे हैं, आपको यहाँ की जानकारी नहीं है और आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलता, तो आप यहाँ पर रास्ता भटक सकते हैं। आप यहीं से थोड़ा सा काम करके चला जाता है। ये रोड का कोई भी हल्का रहता, आमदा रहता, आज कर देता, कल कर देता, ऐसा बोल के टाल देते, कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसकी वजह से रोड की हालत इतनी खराब है, देवी फाटे था, अकूट था, इतनी खराब है कि बस पूछो मत, सब मुंह सबकी बीमारी बढ़ गई, बहुत सारी बीमारी, किसको दवा लग गया है, किसको कैंसर हो रहा है धुआं से। ये रोड कोई कर नहीं रहा, इसलिए हम क्या करते, कभी कभी ऑटो वाले को बोलते, गाड़ी वाले को बोलते, गाड़ी रुको, हम पैदल चलते। एक ऑटो का एक्सीडेंट अभी हो गया, 15 दिन हो गए, एक 18 साल की लड़की मर गई, एक 70 साल का बुजुर्ग मर गया, रेलवे में था। बहुत दिक्कत आती है, रास्ता खराब है, रिश्ते में तकलीफ होती है। अभी मेरी गाड़ी तो इसकी बहुत मुझे बजी पर जिस तरह भी देखा आपने, मेरे मित्र के साथ में थे। जय गजानन माउली, मी गजानन सुखदेवराव वारकरी, राहणार मुंडगाव, तालुका अकोट, जिल्हा अकोला। सुधीर कंस्ट्रक्शननी केलेल्या काही त्या भागातील काही भाग अल्पशा आज 6 महिन्यापासून काम बंद आहे। लॉकडाऊनचा प्रॉब्लेम असेल तो त्यांचा प्रॉब्लेम होता, लॉकडाऊन ओपन झाल्यानंतरही अजून कामाची सुरुवात कुठं झालेली नाही, याला पूर्ण बीआरडीसी पण जबाबदार आहे। आज रोजी सर्व खेळ खंडोबा होत आहे, तरी शासन आणि प्रशासनाने निर्लज्जपणा सोडून गजानन महाराजाच्या मुंडगावच्या रस्त्याबद्दल दखल घ्यावी, हीच माझी गजानन महाराज ईश्वर चरणी प्रार्थना। मुंडगांव के पादुका क्षेत्र को शासन ने तीर्थ क्षेत्र ब का दर्जा दिया है। जल्दी मंदिर परिसर में भक्तों की सुविधा के लिए विशेष नीति मंजूर की गई है। मुंडगांव जाने के लिए पहले इस रास्ते पर लगाया गया दिशा दर्शक फलक रास्ते का काम आरंभ होने से हटा दिया गया था। रात के समय दिशा दर्शक फलक न होने के कारण कई वाहन आगे निकल जाते हैं। भक्तों को आने वाली मुश्किलों को लेकर संस्थान के व्यवस्थापक ने सिटी जंक्शन के समक्ष अपनी भावना व्यक्त की। जय गजानन, मी विजय दामोदरराव ढोरे, कार्याध्यक्ष श्री गजानन महाराज पादुका संस्थान मुंडगांव तालुका अकोट जिल्हा अकोला। श्री गजानन महाराजांच्या काही काळ वास्तव्याने व त्यांच्या चरण पादुकांमुळे पवित्र झालेले मुंडगांव हे विकासापासून खूप वंचित राहिलेले आहे। गजानन महाराजांच्या मूळ पादुका, त्यांच्या विश्रांतीचा पलंग
धुनी की जागा असल्यामुळे हजारो भाविक इथे दर्शनास येत असतात। यात महाराष्ट्रासह इतर राज्यातीलही भक्त इथे आवर्जून येत असतात। पण इथे येणारे मुख्य रस्ते जे आहेत जसे अकोट अकोला वनिवाळा फाटा ते मुणगाव मुणगाव ते तेल्हारा या रस्त्यांची अवस्था खूपच बिकट झालेली आहे। या रस्त्यावर पायी चालणे कठीण झालेले आहे। हा रस्ता ठेकेदारांनी खोदून ठेवला व त्याचे काम केलेले नाही। पण लोकप्रतिनिधी आणि जे संबंधित अधिकारी आहे बांधकाम विभागाचे यांचे संपूर्ण दुर्लक्ष झालेले आहे। तर मी गजानन महाराजांच्या भक्तांच्या वतीने त्यांना विनंती करतो की थोडीशी संवेदना मनुष्की दाखवून या रस्त्याचा पाठपुरावा करून या रस्त्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे। आणि या रस्त्यावरून नुसतं भक्तच नाही तर विद्यार्थी वयस्कर प्रवासी गर्भवती माता यांचा तरी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांनी विचार करावा। अन्यथा गजानन महाराजांचे भक्त शांततेच्या मार्गाने तीव्र आंदोलन करतील याची जबाबदारी सर्वता संबंधित अधिकारी व लोकप्रतिनिधींची राहील। तर मी पुनश्च त्यांना सगळ्यांना विनंती करतो की त्यांनी या रस्त्याचा लवकरात लवकर विकास करून हा रस्ता लवकरात लवकर प्रवाशांकरता या रस्त्याचे बांधकाम करावे एवढीच नम्र विनंती। जय गजानन। इस रास्ते का निर्माण कार्य आधा अधूरा कर छोड़ने के कारण नागरिकों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संत नगरी मुंडगांव में श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण अब श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो गई है। श्रद्धालु आने से परिसर के विकास को गति मिलती है। यह देखते हुए इस रास्ते का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने को ठेकेदार को बाबा सद्बुद्धि दे, इस तरह की आशाएं परिसर की जनता व्यक्त कर रही है। हर्ष विश्वकर्मा तथा निखिल वरतकर की यह विशेष रिपोर्ट।